टर्म सेकंड में हमारा जो चैप्टर अब हम पढ़ने वाले हैं द रेड ट्रैप, जिसको सेल्मा लेजरलोफ ने लिखा है। देखिए सेकंड टर्म में आपको आंसर्स लिखने होंगे। बच्चों से जहाँ तक मैंने बात करके देखी, जो उनके रिस्पॉन्सेज थे वो थे कि ऑब्जेक्टिव बहुत टफ हो गया हमारे लिए, बहुत नंबर हमने कटवा लिए इसमें, बहुत हार्ड था। यकीन मानिए आपको ऑब्जेक्टिव में जितना नुकसान हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान आपको ये सब्जेक्टिव पार्ट कर देगा। अगर आपने इसको ढंग से कर लिया तो आपकी ऑब्जेक्टिव की भरपाई यहाँ हो जाएगी, और अगर आपने इसको ढंग से नहीं किया तो ऑब्जेक्टिव में भले ही आपने अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ आप चूक जाएंगे। यहाँ अगर आप अच्छा नहीं कर पाएंगे तो आपके अंक जो है बहुत ज़्यादा कटेंगे। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो मेरे साथ थे, जिनके ऑब्जेक्टिव में मार्क्स 38 और सब्जेक्टिव में 38 out of 14 ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव पोर्शन में उनके नंबर 40 में से सिर्फ 2। तो ये जो पोर्शन है इसको बहुत ध्यान से करना है। सेकंड टर्म की इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड टर्म की इंग्लिश में हमें बहुत डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत है चीज़ों को। 5 बार तो कम से कम हम अपने सिलेबस को पढ़ लेंगे, आप इस बात में जो है निश्चिंत रहें। सिलेबस को बहुत जो है, एक बार आपने वीडियो देखा उसके बाद आपको बुक की स्टडी करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक को पढ़ना है, बुक के साथ फेमिलराइज होना है। आप देखेंगे कि द रेड ट्रैप है, द रेड ट्रैप इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द फ्लेमिंगो, क्योंकि रेड ट्रैप में इतनी अच्छी स्टेटमेंट्स हैं, इतने अच्छे वर्ड्स हैं कि आप उन वर्ड्स को सेपरेट रखें। या तो आप एक सेपरेट नोटबुक बना लें, नोटबुक के अंदर आप वर्ड और उनका मीनिंग लिखना शुरू कर दें, इंग्लिश में ही 2-3 उसके सिनोनिम्स लिख लें। आप एक तो ये कर सकते हैं, या आप क्या करें कि बुक को और चीजें अंडरलाइन करने की बजाय जो मेन वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, उनको अंडरलाइन करें और केवल उनके मीनिंग लिख लें आप वहां पर। या जैसे अंडरलाइन किया उस पर नंबर 1 डाल दिया और ऊपर बुक में लिखा नंबर 1, और नंबर 1 का मतलब कि उस वर्ड का मीनिंग ऊपर लिखा गया है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, देखिए आपकी वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। आपको सेपरेट कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ही करना है, आप अपनी बुक को अच्छे से पढ़ें, आप उन शब्दों के साथ फेमिलराइज हो जाएं, आप जब लिखें तो वो लाइनें आपके आंसर में आए, आप जब लिखें तो एहसास हो कि हाँ आपने बुक पढ़ी है। और याद रखिएगा, जब आप खुद इस चीज को करने लगेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ कैसे हुआ है। आप चैप्टर को पढ़ें और चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या करें, आपने चैप्टर पढ़ा, सब कुछ अच्छे से किया, कम से कम जब चैप्टर 3 बार आप पढ़ लेते हैं, जब 3 बार आप फर्स्ट रीडिंग आपने किया, आपने वर्ड्स के मीनिंग लिख लिए, दूसरी रीडिंग किया, तीसरी रीडिंग के बाद आप क्या करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर लिखना शुरू करें। आपको किसी भी एक हेल्प बुक को उठा लेना है या कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने। आप क्या करेंगे, देखिए एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं, जैसे इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आया और वो रिपीट हुआ लेकिन दूसरी फॉर्मेशन के साथ, तो ऐसे क्वेश्चन में आप सिर्फ एक को सिलेक्ट कर लें और उसका सही से आंसर लिख के देख लें। मतलब हर चैप्टर से आप 2-2, 3-3 क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं उनके आंसर्स लिख करके देखें। खुद से नहीं लिखेंगे तब तक नहीं होगा। तो मीनिंग पे ध्यान रखें, एनसीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है। अब हम इस चैप्टर को देखते हैं कि ये सेल्मा लेजरलोफ जी ने क्या लिखा है। देखिए द रेड ट्रैप, और इसका जो थीम है, इसके नाम के आधार पर ही इस पूरी की पूरी जो है थीम को होना चाहिए था, और स्टोरी तो इसी बेस पे है, लेकिन इसका थीम थोड़ा सा हटके है। द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग, कि आप किसी आदमी में चाहे बुराई उसमें कितनी भी हो, उसमें अच्छाई जगाने के लिए आपको जो है उसकी बातों को समझना, उसके साथ सामंजस्य बनाना, उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, उसको लव देना यानी कि उसको अफेक्शन देना, उसको प्यार से चीज़ें समझाना, उसकी बातों को समझना। आप देखेंगे इस थीम में आप पाएंगे कि आखिरकार इस चैप्टर की एंडिंग इस थीम को जो है पूरी तरह से जस्टिफाई कर देंगे। क्वेश्चन क्यों लिखा है, मैंने ये चीज क्यों लिखी है, ये लाइन मैं आपको बता दूं, दिस लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इन द चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, आप इसको समझ लीजिए। इस लाइन को आप जस्टिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है, या इस चैप्टर का थीम क्या है, या इस चैप्टर के ऊपर जब कोई फोकस
5 मार्क्स में क्वेश्चन बने, बड़ा क्वेश्चन जब बने, तो इस तरह इस लाइन का प्रयोग करके आप उसको करेंगे। देखिए इसके मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो रेट ट्रैप सेलर, रेट ट्रैप सेलर के बहुत सारे नाम यहां पे यूज किए गए, पेडलर उसको बोला गया, वेगाबोंड बोला गया, इंट्रूडर बोला गया। ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में आ गया इंट्रूडर। अब आप इंट्रूडर सोच रहे हैं, यार इंट्रूडर, रेट ट्रैप सेलर इंट्रूडर अनाधिकृत रूप से किसी जगह पे प्रवेश करना, ठीक है, यानी कि विदाउट परमिशन एंट्री लेने वाला आदमी इंट्रूडर होता है, रेग मफिन। अब इनके अलावा आयरन मास्टर, एडला विलमेंसन, क्रॉफ्टर, स्टेजन स्टॉर्म, इनके बारे में हम देखेंगे, ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी पूरी स्टोरी। अब हम शुरू करते हैं। देखिए ये जो व्यक्ति है पेडलर, रेट ट्रैप सेलर, ये बहुत गरीब आदमी है। और एक गरीब कैसा होता है, एक भारत का गरीब आप उसको देख सकते हैं कैसा है, बहुत ही ज़्यादा जो है खाने पीने की चीज़ें भी इतनी नहीं है, तो फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, नहाया नहीं है, नहाएगा कहाँ से, रहने की जगह ही नहीं है, नहाया नहीं है, बड़े बड़े बाल हो गए हैं, दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, बहुत पतला सा है, और आंखें जो है दे ग्लीम इन हंगर, यानी कि भूख उसकी आंखों में देखी जा सकती, ठीक है, ऐसी हालात है। रेट ट्रैप बनाता है, रेट ट्रैप चूहेदानी, यानी कि चूहे को पकड़ने वाली जो है वो रेट ट्रैप ये बनाता है। कैसे बनाता है, किसी फार्म में जाके, किसी बड़ी इंडस्ट्री से कोई मटेरियल वहाँ से भीख के रूप में मांग करके उन लोगों से लेकर के, और अपना जो है बना लेता है ये। तो रेट ट्रैप बनाने का काम करता है, भीख भी मांगता है, बैगिंग, और इसके बावजूद भी अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाता है, तो जो है ये उसके बाद थीवरी, पिटी थीवरी, यानी कि छोटी छोटी जो थेफ्ट है, छोटी छोटी चोरियाँ भी करता है। सो अब एक लाइन आती है, ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड थीवरी टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर। देखिएगा, बॉडी एंड सोल टुगेदर, एक बहुत अच्छा ये जो आप स्टेटमेंट है इसको यूज कर सकते हैं, बॉडी एंड टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी कि अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। अब आप आंसर लिखें कि इसके बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि द रेट ट्रैप सेलर हैड टू रिजोर्ट, या रेट ट्रैप सेलर के बारे में बताते हुए आप ये लाइन लिख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पीटी थिवरी। ये चोरी का इंसिडेंट आगे भी हमारे सामने आएगा। देखिए इसकी लाइफ बहुत ही डल और मोनोटोनस है, सैड है, अकेला है अपने जीवन में, कोई इसका अपना नहीं है, ये कहीं भी जाता है तो वहीं से भगा दिया जाता है इसको, कोई इसको अपना करके खुश नहीं है, कोई इससे बात करने वाला नहीं है, ये जो है दुनिया इसके लिए कभी अच्छी नहीं हुई, इसलिए ये दुनिया के बारे में गलत सोचना शुरू कर देता है। एक दिन ये एक अपनी जर्नी पे जाता है, ऐसे ही घूम रहा होता है, और एकदम से इसके दिमाग में एक थॉट आता है कि यार ये वर्ल्ड जो है, ये दुनिया जो है, This is nothing but a big rat trap, यानी कि कुछ नहीं है, ये एक बड़ा जो है चूहेदानी है। अब इसके मन में ऐसा क्यों आता है, वो कहता है कि जिस तरह से एक चूहेदानी में आप पोर्क डाल देते हैं, पोर्क मतलब मीट का कुछ पार्ट, चीज डाल देते हैं, जैसे ही चूहा आता है उस पर बंद हो जाती है, तो इस दुनिया में, इस दुनिया की खुशियां, इस दुनिया की जो है जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, मेटीरियलिस्टिक चीजें जितनी भी हैं इस दुनिया की, वो सब क्या है एक्चुअली में, वो सब एक बेट है, बेट मतलब एक प्रलोभन है, एक लालच है कि दुनिया उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और जैसे ही वो उस चीज में जाते हैं वो फंस जाते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं इस दुनिया में, यानी कि किसी भी लालच की तरफ जैसे ही वो अट्रैक्ट होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं, इस रेड ट्रैप में। और लास्ट में इसके साथ भी ऐसा ही होता है, और वो देखेगा, उस स्टेटमेंट आएगी भी। अब ये सब सोचता है ये, और सोचता है और हंसता है कि हाँ हाँ वो भी ऐसे फंस गया था, या वो भी फंसने को है, मैं अच्छा हूँ, मैं बचा हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, इस तरह की बातें चलती हैं। और ऐसे ही एक दिन चलते हुए रात का समय हो जाता है, और ये सड़क पर चल रहा है, सड़क के आसपास एक हट इसको दिखती है, वहाँ जाता है, वहाँ जा कर के और उस व्यक्ति से कहता है कि क्या मैं आपके यहाँ पर मुझे रात बिताने का जो है आप आज्ञा, मतलब आप परमिशन दे कि मैं यहाँ रह सकूँ आज रात के लिए। और आमतौर पर इसको लोग भगा देते थे, भागो यहाँ से, ऐसे आ जाते हैं मुंह उठा के, लेकिन यहाँ जो व्यक्ति है वो है
क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर यानी फार्मर। ये एक फार्मर था, ये फार्मर था रामसजो आयरन वर्क्स में। रामसजो आयरन वर्क्स एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होती थी उस समय, और उसमें ये एक फार्मर था। यहां ये इसको जगह दे देता है। अब क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है कि पहला क्वेश्चन तो यही था कि इसको रेड ट्रैप क्यों कहता है। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाई डिड क्रॉफ्टर अलाउ दिस गाय रेड ट्रैप सेलर टू स्टे, या व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी होता है स्वागत करना, हॉस्पिटैलिटी की डिफरेंस क्या था सारी दुनिया की और इसकी। तो सारी दुनिया इसको भगा देती थी, लेकिन क्रॉफ्टर ने इसको अलाउ किया। क्रॉफ्टर बड़ा खुश हुआ इसको देख करके, क्योंकि क्रॉफ्टर अकेला था। क्रॉफ्टर का कोई परिवार नहीं था, कोई पत्नी नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे, उससे कोई बात करने वाला नहीं था। जब दो एक तरह के लोग मिले तो बड़ी खुशी हुई क्रॉफ्टर को भी। इसको भी बड़ा अच्छा लगा, उसने इसको खाना वाना दिया, तम्बाकू वगैरह खेले, खूब बातचीत इन्होंने की। क्रॉफ्टर ने इसको बताया, आमतौर पर जब कोई ऐसा राहगीर मिलता है तो लोग बातें करते ही हैं। क्रॉफ्टर ने भी बताया कि मैं जब जवान होता था तब मैं वहाँ पर काम करता था, लेकिन अब जो है मेरे पास एक गाय है और मैं इस गाय का दूध बेच करके ही मैं काम अपना चलाता हूँ। देखिएगा मेन प्लेसेस जो हैं इसमें, वो एक मेन प्लेस जिसमें ये पूरी स्टोरी सेट है वो क्रॉफ्टर का घर है। क्रॉफ्टर का घर है। अब क्रॉफ्टर के घर में क्या क्या हो रहा है ये सब डिस्कस हो रहा है। अब क्रॉफ्टर इसको कहता है कि पिछले महीने मैंने 30 क्रोनोर, यानी कि ये करेंसी की यूनिट है, मैंने 30 क्रोनोर कमाए हैं। अब एक वर्ड आता है इनक्रेडुलस, INCREDULOUS, इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का मतलब होता है हार्ड टू बिलीव, या सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है ऐसा आपको लगता है। तो जब उसने ये बात बताई और उसको लगा कि पेडलर को तो यकीन ही नहीं हो रहा है यार, इसको तो लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं, तो इसने इसको क्या किया, अपने एक पाउच निकाला और उसमें से इसको 3 नोट निकाल कर ऐसे देखो मेरे पास हैं, तो दिखा दिए। ठीक है, ये सो गए। सुबह उठते हैं और उठ करके जो है ये जाने लगते हैं, सब बातचीत हो जाता है कि बाय टाटा सब हो गया। अब जब क्रॉफ्टर जा चुका होता है, उसके आधे घंटे बाद ये जो अपना पेडलर है वापस आता है। ये उसी खिड़की के सामने बाहर की तरफ से खड़ा होता है जहां वो पाउच लटका है। ये उसको हाथ मार के तोड़ता है, अंदर से वो पाउच निकालता है, क्रोनोर 3 नोट जो थे, 10-10 के 3 नोट वो निकाला, वापस से पाउच डाल दिया और वहां से चलने लगा। बड़ा अच्छा महसूस कर रहा था कि हाँ मैं कितना शातिर हूं ये और वो। लेकिन कुछ समय चलने के बाद इसको एहसास हुआ कि मैं मेन रोड पे चल रहा हूं, मेन रोड पे चल रहा हूं। अगर उसने देख लिया होगा तो सीधा शक मुझ पे आएगा और कहीं मुझे कोई पकड़ ना ले, इसको डर लगा। और इसलिए ये कहां चला गया, वुड्स यानी कि फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में चला गया। अब फॉरेस्ट में क्या क्या इसके साथ होता है देखिएगा। दिसंबर का महीना चल रहा था और इनिशियली इसको ठीक था, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पा रहा। ये देखता है कि मैं बार 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 कहीं भी जाऊं मैं फिर एक जगह पे पहुंच जाता हूं। और फिर जब रात हो गई और ये निकल नहीं पाया तो इसको एहसास हुआ कि यस, आज मैं भी एक रेड ट्रैप में फंस गया। उस 30 क्रोनोर ने मेरे लिए एक बेट का काम किया, जिस तरह से चीज और पोर्क एक चूहे के लिए एक बेट का, एक प्रलोभन का काम करती है, मेरे लिए काम किया उन 30 क्रोनोर ने और आज मैं फंस गया हूं। और दिस अपीयर टू, यानी कि वो ये जो वुड्स थे यानी कि जो जंगल था वो उसको लगा इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, इनएस्केपेबल प्रिजन, यानी कि जिससे बाहर नहीं जाया जा सकता। उसको अब एहसास हुआ और वो अब जो है बिल्कुल थक चुका है। देखिए अब एक बहुत शानदार वर्ब आएगी आपके सामने, वो जमीन पर बैठता है टायर्ड टू डेथ, यानी कि इतना थक चुका है कि अब उसकी मृत्यु हो सकती। टायर्ड टू डेथ, चॉक्ड टू डेथ, यानी कि उसका सांस रोक देना, इतना सांस रुक गया कि मर गया, इतना थक गया कि मर जाएगा अब ये। तो टायर्ड टू डेथ जब वो बैठता है, और जैसे ही वो बैठता है तो उसको एक आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज जो आती है वो आती है रामसजो आयरन वर्क्स। उस समय में रामसजो आयरन वर्क्स जो है बहुत फेमस होता था, और आप इसके लिए एक पूरा पैसेज इन्होंने दिया है, पूरा पैराग्राफ उसको पढ़ सकते हैं। बड़े बड़े स्मेल्टर्स, बड़ी बड़ी फर्नेस, बड़ी आयरन मिल ये होती थी,
और जो है गर्मियों के समय में इसके साथ एक नहर लगती थी, इसका बनाया हुआ उत्पाद यानी कि इसके बनाए हुए प्रोडक्ट्स उनमें डाल करके और मेन रिवर्स तक, मेन लैंड तक पहुंचाए जाते थे। बेहद रूप से ये एक जो है बहुत बड़ा इंडस्ट्री उस समय होता था। अब इस तरफ चलना शुरू करते हैं हमारे जो है पेडलर साहब। जब जाना शुरू करते हैं तो उस समय पर एक, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन यहाँ बनता है, दैट क्वेश्चन इज कि ये व्यक्ति आता है और ये व्यक्ति आकर के रामस्टो आयरन वर्क्स में जो एक काम चल रहा होता है उस समय पर जो वहां पर मास्टर ब्लैकस्मिथ है, मुख्य जो लोहे का काम करने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है स्टेजन स्टॉर्म। और उसका अप्रेंटिस होता है। अप्रेंटिस याद कीजिएगा, आपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, अप्रेंटिस के साथ एक व्यक्ति खड़ा था नोटिस बोर्ड के साथ। अप्रेंटिस मतलब ट्रेनी, तो इसका एक ट्रेनी होता है इसके साथ। और रामस्टो आयरन वर्क्स में जब ये एंटर कर जाता है तो ये लोग इसको देख नहीं पाते तब तक जब तक कि, अब ये लोग भट्टी के सामने काम कर रहे हैं, ठीक है। जब ये खुद व्यक्ति जो है, ठंड का महीना था, बारिश भी हो रही है, और ठंड के महीने में अपने आप को ठंड से बचाने के लिए इनके सामने जब आकर के, भट्टी के सामने आकर के खड़ा होता है, तब इनको पता चलता है कि पेडलर अंदर आ गया है। लेकिन पहले क्यों नहीं पता चलता? बिकॉज वहां पर जो है बहुत सारी आवाज थी। तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द रीजंस जिनकी वजह से पता नहीं चला इन लोगों को, वो रीजंस क्या क्या थे? आप देखेंगे बहुत सारी साउंड्स थी। एक तो जो है बारिश की आवाज थी, और क्रैकिंग जो है, क्रैकिंग ऑफ द कोल, उसकी आवाज थी। तो बहुत सारी आवाजों, ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस साउंड्स इंक्लूडिंग द साउंड ऑफ रेन, द क्रैकिंग ऑफ कोल, ग्रोनिंग ऑफ कोल आप उसको बोलेंगे, यहाँ इनको आपको डालना है। ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है। वो आते हैं, उसको देखते हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ठंड के दिन है, बारिश हो रही है, ये ऐसे ही यहाँ घूमता घूमता आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आदमी आकर के चुपचाप सो जाता है, इसको कोई तकलीफ नहीं है, सुबह उठ के चला जाएगा। अब गड़बड़ देखिए क्या होती। ऐसे सिचुएशन में रामस्टो आयरन वर्क्स को एक व्यक्ति ओन करता था जिसका नाम नहीं बताया, उसको बोला गया आयरन मास्टर। तो आयरन मास्टर, हु इज आयरन मास्टर? आयरन मास्टर इज द ओनर ऑफ रामस्टो आयरन वर्क्स। ये आदमी जो है सुबह शाम अपने उस पर रहता है कि हाँ मेरी जगह पर काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा, तो ये चेक करने आता है उसी रात। अब ये व्यक्ति आयरन मास्टर पेडलर को देखता है कि सो रहा है, ये कौन है? ये उसको जाकर के देखता है, उसको खड़ा करता है, और उसको देख करके इसको एक इल्यूजन हो जाता है। एंड ही टुक द पेडलर एज हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, फौज में, रेजिमेंट में इसका कॉमरेड कैप्टन नील्स अलोफ वॉन स्टाले। कैप्टन नील्स अलोफ वॉन स्टाले उसको समझता है ये, और देखता है कि यार अब इसको तो ये लग रहा है ना कि ये मेरा दोस्त है, और ये कहते हैं कि ये क्या हो गया है। अब देखिए यहां पर एक जो है एक बनता है, एक लाइन आती है, अनडिसीव एट वंस। अब ये व्यक्ति पेडलर सोचता है कि यार मैं तो इससे कभी मिला नहीं, लेकिन क्योंकि ये मुझे अपना एक पुराना एक्वेंट समझ रहा है, एक फैमिलियर गाय समझ रहा है, तो हो सकता है मुझे कुछ पैसे दे दे, कुछ क्रोनोर्स मुझे दे दे। तो ये जो है, ये ही डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव हिम एट वंस, यानी कि एकदम से उसको सब बता नहीं देना चाहता है कि नहीं नहीं मालिक मैं ऐसा कोई नहीं हूं, मैं तो पेडलर हूं, मैं यहां ऐसे ही जो है रात बिताने के लिए आ गया। ये कहता है, बातें इधर उधर की घुमाता है कि हाँ भाई मेरे साथ चीजें खराब हो गई। अब उसका एंड क्या होता है कि ये व्यक्ति आयरन मास्टर इस पेडलर को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पर चलो। अब पेडलर फंस गया कि यार ये तो जो है इसके घर पर जाना विल मीन थ्रोइंग himself into the lion's den voluntarily। याद रखिए इस लाइन को। अब देखिए आपने पढ़े तो सब गए ना, आपको ये याद रखना है कि आप कैसी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। थ्रोइंग himself into the lion's den voluntarily, यानी कि यह तो स्वेच्छा से अपने आप को शेर के उसमें, गुफा में डालने के बराबर हो गया इसके घर पे जाना। तो कि अब इसको डर है कि यार इनको पता चल जाएगा कि मैं इसका दोस्त नहीं हूं, ऊपर से मैंने 30 क्रोनोर चोरी कर रखे हैं, मैं तो मारा जाऊंगा, मना कर देता है। अब पेडलर सोचता है कि यार मेरा दोस्त है, सॉरी आयरन मास्टर सोचता है कि मेरा दोस्त ये इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि
इसके कपड़े खराब हैं, बहुत शर्मिंदा महसूस करेगा। तो ये अपनी पत्नी के बारे में बताता है कि एलिजाबेथ, एलिजाबेथ इज डेड। ये कहता है एलिजाबेथ मर चुकी है, मेरी बेटी बेटी घर पे है, तुम चलो हम अच्छे से अपना क्रिसमस मनाएंगे। लेकिन आखिर तक ये नहीं मानता और ये चला जाता है क्रॉफ्टर आयरन मास्टर। अब देखिएगा एक नया यहां से शुरू होगा। अब आयरन मास्टर तो चला गया, लेकिन आयरन मास्टर अपनी बेटी जो है एडला विल्मेंसन उसको भेजेगा, और उसके जाने के बाद जो है ये अपना कंटिन्यू करता है, यानी कि फिर से सो जाता है। अब उसकी बेटी आती है, यानी कि एडला विल्मेंसन आती है, और ये तब भी सो रहा होता है। एडला आती है, एडला को लगता है ये जो एडला विल्मेंसन है, क्रॉफ्ट आयरन मास्टर को लगता है कि एडला हैज बेटर पावर्स ऑफ पर्सुएशन, यानी कि एडला मना लेगी। एडला आती है, बातचीत करती है, और एडला को देख करके लगता है कि जिस हिसाब से व्यक्ति डरा हुआ है, या तो ये व्यक्ति, मतलब ये क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि उसने आयरन मास्टर के साथ जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन उसी की बेटी के साथ जाने के लिए हाँ कैसे कर दी। तो एडला उसको एक बात उसको देखती है, एडला समझती है कि इधर ही हैज स्टॉलन समथिंग, और या तो इसने कुछ चुराया है, या ये एक जेल से भागा है, ऐसी कोई ना कोई बात हुई है। जिस हिसाब से डरा हुआ है, ही इज सो स्केयर्ड, तो वो कहती है कि यू विल बी अलाउड टू लीव अस एज हैप्पीली एज वॉलंटरली एज यू कम, कि जितनी खुशी से जितने आराम से आप हमारे साथ आ रहे हैं, हम आपको वैसे ही जाने देंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। यानी कि शी एडला टुक हिम इनटू हर कॉन्फिडेंस, उसको अपने विश्वास में लेती है, और इसको एक कोट वगैरह दे करके बैठा करके ले जाते हैं, घर पे आ गए, ठीक है, सब अच्छा हो गया। ये उठता है, अगले दिन की बातचीत होती है, इसको खाना वाना देते हैं, इसका पिता देखता है कि मेरा दोस्त चूहेदानी बेच रहा है, रेड ट्रैप सेल कर रहा है, हमें कुछ करना होगा इसके लिए। एडला, मैं अपने दोस्त को ऐसे नहीं देख सकता। इसके लिए ठीक है, खाना वाना खाता है, फिर उसको नहलाने का काम दिया जाता है एक जो घर के नौकर होते हैं उसको, कि आप इसको तैयार कीजिए। उसके दाढ़ी वाड़ी बनाता है, सही से नहलाता धुलाता है, इसी के कपड़े पहनाता है, आयरन मास्टर का ही एक सूट उसको दिया जाता है। एडला उसको कहती है कि यार मेरे को लगता नहीं है ये कोई रेजिमेंटल कॉमरेड है आपका, ऐसे ही है। उन्होंने कहा कि तुम रुको, तुम एक बार देखना उसको, चीज़ें उसके साथ ख़राब हो गई लेकिन वो बहुत बहुत अच्छा है। जब वो आता है, अब जब देखते हैं जो आयरन मास्टर देखते हैं रेड ट्रैप सेलर को, तब उनको समझ में आता है कि उन्होंने कोई गलती कर दी इसको पहचानने में। इन्होंने गलती कर दी क्योंकि ये नील सलॉफ नहीं है। अब इन्होंने जब आयरन मास्टर की बात होती है, उससे कहते हैं कि तुम कौन हो और ये और वो, तो एक अब एक वर्ब आती है डिसिमुलेट, देखिएगा टू हाइड समथिंग को हम लिखते हैं डिसिमुलेट। कितना अच्छा, आप देखिए रिप्लेस कर सकते हैं टू हाइड समथिंग की जगह अगर आप डिसिमुलेट लिखेंगे, कितना अच्छा प्रभाव डालेगा। आप ऐसे ही वर्ब्स जो हैं पढ़ते रहें कि हाँ क्या अच्छा इंप्रेशन, इट इज़ ऑल अबाउट द इंप्रेशन यू मेक ओवर दैट एग्जामिनर। अब आयरन मास्टर के सामने वो सब बताता है, और फिर वो अपनी वही बात है कि सर मेरे लिए 30 करोड़ और एक बेट थे, आज आप पुलिस को बुला लेंगे, मुझे जेल भेज देंगे, याद रखिएगा एक दिन आपके लिए कोई एक बड़ी बेट होगी और आप भी उसमें फंस जाएंगे। अब क्रॉफ्टर की आयरन मास्टर इसको कहते हैं कि चलो ठीक है, इसकी बातें सुन के कि तुम यहाँ से भाग जाओ, पुलिस को नहीं बुला रहे। अब जो इसकी बेटी है एडला, वो रोक लेती है। अब क्वेश्चन यहीं से भी बनता है कि व्हाई डिड एडला इंटरवीन टू स्टॉप द पेडलर गोइंग अवे फ्रॉम हर हाउस, अपने घर से जाते हुए पेडलर को उन्होंने क्यों रोका। तो देखिएगा एडला ने जब इस व्यक्ति की हालत देखी, तो उसने सोचा, एडला ने सोचा कि यार हर जगह से इसको भगा दिया जाता है, हर व्यक्ति इसको भगा देता है, मैं इसके लिए चीज़ें अच्छी करूंगी, कम से कम साल का एक दिन तो ऐसा होगा जहां ये अच्छा महसूस कर पाएगा, जहां ये सेफ महसूस कर पाएगा, जहां इसको अच्छा खाने को मिलेगा। अपने पिता से रिक्वेस्ट करती है, इसके पिता आखिरकार मान जाते हैं। क्रिसमस वाले दिन ये व्यक्ति कुछ नहीं करता है, ही जस्ट स्लीप्स, सोता है, उठता है, अपना खाना खाता है, फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर सो जाता है।
शाम के टाइम एडला जो है इसको बताती हैं कि ठीक है आप ये जो पिताजी का आपने जो गिफ्ट ये जो कोट पहना हुआ है ये उनकी तरफ से आपके लिए क्रिसमस गिफ्ट है और आप अगर चाहें तो आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। कब? क्रिसमस पे, अगली क्रिसमस पे भी आप यहाँ आ सकते हैं, आपके लिए दरवाज़ा खुला रहेगा। ठीक है, अब जो तीसरा ये मैनर हाउस वाला इंसिडेंट भी खत्म हुआ। अब अगले दिन सुबह 10 बजे की बात आ जाती है सीधी कि 10 बजे चर्च से वापस आते हैं। अब चर्च में इनको पता चला कि क्रॉफ्टर जो कि पहले आयरन वर्क्स में काम करता था, रामसजो आयरन वर्क्स में, उसके 30 क्रोनोर किसी ने चुरा लिए हैं, 30 क्रोनोर किसी ने चुरा लिए हैं। और अब पूरा का पूरा यकीन हो जाता है आयरन मास्टर को कि उसी व्यक्ति ने चुराए हैं। एडला तुमने उसको घर पे रखा है और अब मुझे पता नहीं घर पे उसने क्या क्या चोरी कर लिया। जब वो घर पहुंचते हैं तो उनका नौकर उनको बताता है कि नहीं मालिक, वो कुछ नहीं लेके गए बल्कि वो एक गिफ्ट छोड़ के गए हैं एडला के लिए। जब वो गिफ्ट देखते हैं तो उसके अंदर एक छोटा सा रेड ट्रैप और उस रेड ट्रैप के अंदर 30 क्रोनोर यानी कि 10-10 के 3 नोट थे और एक लेटर था जिसमें उन्होंने लिखा। और उस लेटर में बड़ी अच्छी बात थी कि आपने मुझे इस तरह से ट्रीट किया जैसे कि मैं एक अच्छा, जैसे कि मैं वास्तव में ही एक कैप्टन हूं, तो मैं भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसे मैं वास्तव में ही एक कैप्टन हूं। यानी कि उसने 30 क्रोनोर वापस दिए और माफी मांगी और कहा कि यह आप उस व्यक्ति को वापस दे दीजिएगा, आज केवल आपकी वजह से मैं अपने जीवन में जो है इसमें मैं फंस चुका था, लेकिन आपकी अफेक्शन की वजह से, आपकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से, आपके दिए गए सम्मान की वजह से मैं ये चीज़ वापस लौटा रहा हूँ और मैं अपने जीवन में सही आदमी बनूंगा। और इसकी लाइन जो है लास्ट में कैप्टन वॉन स्टहले जो लिखते हैं वो इस बात का सबूत है कि हाँ नाउ ही इज गोइंग टू चेंज। कितना अच्छा और कितना प्यारा चैप्टर है, बार बार पढ़ने की जरूरत है इस चैप्टर को। इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट अगर आपके पास होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।